हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में हम बात करने वाले हैं एस्टीमेट के बारे में कि एस्टीमेट क्या होता है, और साथ साथ बात करेंगे कि एस्टीमेट का हम क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, कितने टाइप के हमारे एस्टीमेट होते हैं। क्योंकि जो अलग अलग टाइप के एस्टीमेट हैं, जैसे कि रफ कॉस्ट एस्टीमेट, डिटेल्ड एस्टीमेट, फिर इसमें भी हमारे कौन कौन से टाइप हैं, रिवाइज एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, और रफ कॉस्ट एस्टीमेट के हमारे कौन से टाइप्स हैं, प्लिंथ एरिया रेस्ट एस्टीमेट, क्यूबिकल रेट एस्टीमेट, यूनिट एंड रनिंग रेट एस्टीमेट, इन सभी टॉपिक से हमें कंपटीशन में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो उन क्वेश्चंस पर फोकस करते हुए आज की क्लास हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि एस्टीमेट के हमारे कितने टाइप्स होते हैं और उनमें हमारे कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए, उन सब टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, जिसमें हम बात करने वाले हैं एस्टीमेट के बारे में। सबसे पहले तो एस्टीमेट क्या होता है, हम जानते हैं कि एस्टीमेट क्या है। किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने से पहले, यानी कि किसी भी निर्माण कार्य को करने से पहले, यानी किसी भी आप प्रोजेक्ट पर वर्क करने वाले हैं, उसका कंस्ट्रक्शन करवाने वाले हैं, तो उसका कंस्ट्रक्शन करने से पहले ही उसकी एक अनुमानित लागत, कि उसमें कितना पैसा लगेगा, अनुमानित लागत निकालना ही हमारा क्या कहलाता है, एस्टीमेट कहलाता है। तो हम यही कह सकते हैं कि एस्टीमेट एक अनुमानित राशि है जो कब कैलकुलेट किया थी, निर्माण कार्य करने से पहले, यानी कि किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने से पहले ही हम उसके एक निर्माण में लगने वाली लागत निकाल लें तो हम क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है, एस्टीमेट कहलाता है। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि एस्टीमेट किसी कार्य की अनुमानित लागत है, यानी कि हमारी क्या है, एस्टीमेट इज अ प्रोबेबल कॉस्ट। एस्टीमेट क्या होती है, एन एस्टीमेट इज अ प्रोबेबल कॉस्ट, एक प्रोबेबल कॉस्ट होती है। कब निकालते हैं, जो किसी निर्माण कार्य करने से पहले ही तैयार कर ली जाती है, यानी किसी भी कंस्ट्रक्शन से पहले ही हम उसे तैयार कर लेते हैं, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में जिसमें हम वर्क करने वाले हैं उसमें कितना पैसा लगने वाला है, तो वो हम पहले ही अनुमानित लागत निकाल लेते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, एस्टीमेट कहलाता है। तो इसे मैंने यहां पर भी लिख रखा है कि एन एस्टीमेट इज अ प्रोबेबल कॉस्ट, यानी एक प्रोबेबल कॉस्ट होती है ऑफ ए वर्क, किसी भी कार्य की, विच इज प्रिपेयर्ड, जिसको बना लिया जाता है पहले ही, बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, यानी किसी भी प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य से पहले ही हम एक अनुमानित लागत निकाल लेते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, एस्टीमेट कहते हैं। चलो ये तो हमें पता था कि एस्टीमेट क्या होता है, और एस्टीमेट हमने यहां पर जान लिया कि एस्टीमेट हमारा क्या है, लेकिन अब बात करते हैं, यहाँ पर आपको हम एक एग्जांपल से समझाएंगे कि रफ कॉस्ट यानी एस्टीमेट के टाइप्स हमारे क्या हैं, उनको हम एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। जैसे देखो, एस्टीमेट के हमारे टाइप्स कौन हैं, टाइप्स ऑफ एस्टीमेट की अगर हम बात करें तो एस्टीमेट हमारा बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है हमारा रफ कॉस्ट एस्टीमेट, जिसे हम प्रिलिमिनरी एस्टीमेट भी कहते हैं। दूसरा हमारा है डिटेल्ड एस्टीमेट। तो प्रिलिमिनरी एस्टीमेट को हम अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट भी कहते हैं, या एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट भी कहते हैं, और रफ कॉस्ट एस्टीमेट भी कहते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो प्रिलिमिनरी एस्टीमेट या रफ कॉस्ट एस्टीमेट या अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट या एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट है, इन सबका मतलब हमारा एक ही है, रफ कॉस्ट एस्टीमेट। तो हम ये जानेंगे कि रफ कॉस्ट एस्टीमेट हम बना क्यों रहे हैं, पहला क्वेश्चन तो ये हुआ कि हमें क्या जरूरत है रफ कॉस्ट एस्टीमेट बनाने की, दूसरा इसको बनाने से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, आखिर इसको हम बना क्यों रहे हैं और इसको बनाने से हमें क्या फायदा होगा। इन दो पॉइंट्स पर हम विचार करेंगे और इन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। आगे बात करेंगे कि डिटेल्ड एस्टीमेट हमारा कैसा है, क्यों बना रहे हैं इसे, इसको बनाने से हमें क्या फायदा होगा, इन सब टॉपिक पर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे हम कि डिटेल्ड एस्टीमेट कितने प्रकार का होता है और रफ कॉस्ट एस्टीमेट में कितने प्रकार का होता है। चलो देखें, सपोज कीजिए आप किसी भी योजना या परियोजना पर हम काम करने वाले हैं, इसका मतलब यह है कि आप किसी प्रोजेक्ट पर या किसी भी आप वर्क पर आप कंस्ट्रक्शन वर्क करवाने वाले हैं, तो उस कंस्ट्रक्शन वर्क को करवाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक सबसे पहले उसमें एक लागत, एक अनुमानित लागत कितनी लगेगी, एक रफली मोटे तौर पर तैयार करनी होगी। जैसे कि आप किस किस पॉइंट्स पर बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ लैंड यानी जमीन की लागत कितनी है उसमें, जिस जहाँ पर आप सपोज कीजिए आप कोई रोड निकलवाना चाहते हैं, तो रोड के में किस किस की जमीन हमारी आने वाली, तो उसमें लैंड कॉस्ट निकालेंगे, अप्रोच रोड, बाकी छोटे छोटे जो विलेज होंगे आसपास के उनके लिए अप्रोच रोड, यानी हम किसी भी बात पर्टिकुलर रोड के लिए बात नहीं कर सकते, किसी भी कंस्ट्रक्शन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लैंड यानी जमीन की, सैनिटरी फिटिंग्स की, और हमारे अप्रोच रोड्स की, या और तो ये तमाम जो हमारी मोटी मोटी चीजें यानी जिनमें लागत हमारी बहुत ज्यादा आने वाली है, तो उनको एक मोटे तौर पर हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं और एक कॉस्ट निकाल लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रफ कॉस्ट कहते हैं। अब रफ कॉस्ट हमने निकाल लिया यानी एस्टीमेट कर रहे हैं उसका, यानी निर्माण तो अभी हुआ नहीं है, कंस्ट्रक्शन होने से पहले ही हम अनुमान लगा रहे हैं पहले से, तो वो तो एस्टीमेट हो गया, और हम क्या कर रहे हैं, रफली उसकी कॉस्ट कंसीडर कर रहे हैं। तो देखें अब इसको सिस्टम से समझें,
कि किसी योजना या परियोजना यानी कि किसी वर्क या प्रोजेक्ट में लगने वाली एक अनुमानित लागत, एक रफली कॉस्ट हम निकाल रहे हैं, तो रफली कॉस्ट निकालने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। उससे जब हम रफ कॉस्ट एस्टिमेट तैयार कर लेंगे उस परियोजना का यानी उस प्रोजेक्ट का, तब हम क्या करेंगे, उसको लेकर जाते हैं डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट से हमें क्या मिलेगा, प्रशासनिक स्वीकृति मिलेगी, यानी हमें एडमिनिस्ट्रेशन सेंसेशन मिलेगा। तो प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, देखो सबसे पहले हमने रफ कॉस्ट पता कर लिया यानी कि उस प्रोजेक्ट में रफली कितना एक अनुमानित हमें लागत पता लग गई कि उसमें कितना पैसा लगने वाला है, जिसमें हमने जमीन का मूल्य जोड़ दिया, हमने सैनिटरी फिटिंग्स जोड़ दी, उनके अप्रोच रोड जोड़ दी। अप्रोच रोड का मतलब ये होता है कि उस मेन रोड तक आने के लिए और बाकी छोटे छोटे रोड कितने हैं वो भी हमें थोड़ा बनाने पड़ेंगे। तो इन सब टॉपिक पर हमने बात करी, तो जो मोटे मोटे पैसे और हमने जो फुटकर व्यय होने वाले हैं 5-10%, ध्यान रखना रफ कॉस्ट एस्टिमेट में जो हमारे फुटकर व्यय होते हैं 5-10% जोड़कर हमने कॉस्ट तैयार करी है, रफ कॉस्ट एस्टिमेट तैयार कर लिया। उस रफ कॉस्ट एस्टिमेट तैयार करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमें प्रशासनिक स्वीकृति लेने के लिए यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंसेशन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रफ कॉस्ट एस्टिमेट तैयार करना पड़ता है। सबसे पहले हमने उस योजना में लगने वाला पैसा तैयार किया, उससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, उससे हमें बेनिफिट ये मिल रहा है कि हमें प्रशासन से स्वीकृति मिल जाएगी, प्रशासन से परमिशन मिल जाएगी कि इस वर्क को परमिशन दे जाए, हाँ इस वर्क को कराना चाहिए। अब दूसरा एक और चीज़ है कि जब हम रफ कॉस्ट एस्टिमेट तैयार करते हैं किसी प्रोजेक्ट का, तो राजकीय बजट यानी जो हमारे पास गवर्नमेंट का बजट है, वो गवर्नमेंट भी अपने बजट की क्या करेगी, बजट में जो धनराशि उस प्रोजेक्ट पर खर्च करने वाली है उसकी नीति यानी उसकी एक हमारी स्ट्रेटजी तैयार करती है। तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं, रफ कॉस्ट एस्टिमेट हम तैयार कर लेते हैं। तो अब देखें यहां पर समझते हैं कि किसी कार्य या परियोजना के अलग अलग पहलुओं पर यानी कि जो भी हमारी जिस भी प्रोजेक्ट पर हम कार्य करने वाले हैं या किसी कंस्ट्रक्शन वर्क पर हम कार्य करने वाले हैं, तो किसी कार्य या परियोजना के अलग अलग पहलुओं पर प्रारंभिक अध्ययन करने के लिए यानी कि स्टार्टिंग में हम कॉस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं उस पर अध्ययन करने के लिए प्रारंभिक अनुमान आवश्यक है। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम वर्क करना चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट पर, तो उसके स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, एक मोटा मोटा अनुमान लगाते हैं, रफली एक वैल्यू तैयार करते हैं। वही हमारा रफ कॉस्ट एस्टिमेट क्या काम करता है, जिससे सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति यानी जो भी अधिकारी सक्षम है यानी जो भी अधिकारी उस प्रोजेक्ट पर उसे पास करेगा, उसकी परमिशन देगा, उसकी स्वीकृति मिल जाए, तो रफ कॉस्ट एस्टिमेट हम तैयार कर रहे हैं। एक तो उसकी लागत पता करने के लिए कि रफली कितनी लागत लग जाएगी उसमें, दूसरा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसका रफ कॉस्ट एस्टिमेट तैयार करते हैं, जिससे उससे क्या हो जाए, हमारा वित्तीय मतलब होता है फाइनेंशियल स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए यानी राजकीय जो बजट है, जो हमारा गवर्नमेंट बजट है उसमें हमारा जो फाइनेंशियल उसकी कंडीशन है उसको देखा जा सके और उसकी एक नीति तैयार की जा सके यानी उसकी एक स्ट्रेटजी तैयार की जा सके। इन सब के लिए हम क्या करते हैं, रफ कॉस्ट एस्टिमेट बनाते हैं। इसको यहां से भी समझेंगे कि रफ कॉस्ट एस्टिमेट इज यूज टू स्टडी द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर वर्क करता है। दूसरा डिसाइडेड टू यानी ये क्या करता है, रफ कॉस्ट एस्टिमेट डिसाइड करता है फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि एक वित्तीय स्थिति डिसाइड करता है, एंड पॉलिसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंसेशन यानी और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंसेशन के लिए हमारी पॉलिसी तैयार करता है बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी उसे परमिशन देने वाली है उसके लिए और धनराशि वगैरह के लिए। तो ये सब हमारे सारे काम जो होते हैं वो किस पर आधार होते हैं यानी किसी प्रोजेक्ट के रफ कॉस्ट एस्टिमेट के आधार पर लगाया जाता है। अब आप इसको ओवरऑल आप यह समझ सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट है, किसी प्रोजेक्ट पर आप वर्क करने वाले हैं तो उस प्रोजेक्ट में लगभग कितनी राशि आने वाली है, तो हमने एक रफली कॉस्ट कैलकुलेट कर ली जिसमें हमने सभी स्टार्टिंग की सभी आइटम्स पर बड़े बड़े आइटम्स जो हमारे हैं जो मेनली हमारा जिसमें खर्चा होने वाला है उस पर हमने कंसीडर किया और उन कंसीडर करने के बाद में हमने कॉस्ट तैयार करी। उस कॉस्ट तैयार करने के बाद हमें प्रशासन की स्वीकृति मिल जाएगी और प्रशासन की स्वीकृति मिलने के बाद जो राजकीय बजट में धनराशि है, जो हमारी गवर्नमेंट बजट में जो हमारे पास पैसा है उसको प्रशासन कैसे खर्च करेगा उसकी एक स्ट्रेटजी, उसकी एक पोजीशन, उसकी एक हमारी क्या एक नीति तैयार कर ली जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या जरूरी है, रफ कॉस्ट एस्टीमेट हमारा जरूरी होता है। अब बात करते हैं रफ कॉस्ट एस्टीमेट के बाद कि डिटेल्ड एस्टीमेट क्या है। तो देखें,
जब आपको प्रशासन की स्वीकृति मिल जाती है, यानी कि डिपार्टमेंट ने उसको अथॉरिटी दे दी कि हाँ ठीक है इस प्रोजेक्ट पर आपको वर्क करना है, तो इसकी परमिशन जब मिल जाती है, यानी कि जब हमें किसी प्रोजेक्ट पर परमिशन प्रशासन की, यानी कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी अथॉरिटी है उसकी परमिशन मिल जाती है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, डिटेल्ड एस्टिमेट तैयार करते हैं। डिटेल्ड एस्टिमेट में डिटेल्ड ड्राइंग तैयार करते हैं जिसमें हम उस रोड में, अभी तो हमने सिर्फ लैंड का, सैनिटरी फिटिंग का अप्रोच, रोड का सब हमने मोटा मोटा ही कॉस्ट यानी, अब हमारी इसमें क्या होगा, एक डिटेल्ड ड्राइंग तैयार की जाएगी जिसमें लगने वाले हर एक आइटम, जो भी हमारा उसमें कंपोनेंट है उस कंस्ट्रक्शन वर्क में, उसका हमारा पैसा ऐड होगा। ये एक रफली वैल्यू बताता है, लेकिन डिटेल्ड एस्टीमेट बहुत ही एक्यूरेट एस्टीमेट होता है जो लगभग एक्यूरेट हमारी उस कंस्ट्रक्शन में लगने वाली लागत को बताता है। तो ये हमारा होता है डिटेल्ड एस्टीमेट इज एन एक्यूरेट एस्टीमेट, यानी डिटेल्ड एस्टीमेट कैसा, एक बहुत ही एक्यूरेट एस्टीमेट है। तो ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट हो गया, एक्यूरेट एस्टीमेट कौन सा है, डिटेल्ड एस्टीमेट। दूसरा, इस एस्टीमेट में यानी इन दिस एस्टीमेट डायमेंशंस लेंथ विड्थ एंड हाइट, यानी कि ऑफ ईच आइटम, यानी कि प्रत्येक मद की, यानी प्रत्येक आइटम की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं और टेकन आउट करेक्टली फ्रॉम ड्राइंग, यानी ड्राइंग से सारी चीज़ हम निकाल लेते हैं, जो भी हमारी प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट पर वर्क करने वाले हैं उसकी ड्राइंग तैयार हो जाएगी, उस ड्राइंग में लेंथ विड्थ हाइट सब एक्यूरेटली उसमें से हम ले लेंगे और हम क्या करेंगे, प्रिपेयर एस्टिमेट अकॉर्डिंग टू रेट, यानी आज की रेट के हिसाब से उसका एक एस्टिमेट तैयार करेंगे, उसकी एक लागत निकालेंगे जो लगभग लगभग उस कंस्ट्रक्शन में होने लगने वाली लागत के समान ही होगी। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कुछ डिटेल्ड एस्टीमेट के। अब बात करते हैं कि एस्टीमेट के हमारे कितने टाइप हो सकते हैं। सबसे पहला हमारा हमने पढ़ा रफ कॉस्ट एस्टीमेट या प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, ये कितने प्रकार का हो सकता है, प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट, क्यूबिकल रेट एस्टीमेट, या हमारा हो सकता है यूनिट और रनिंग एस्टीमेट, या हमारा उसका परसेंटेज रेट एस्टीमेट, या अप्रोक्सीमेट क्वालिटी मेथड एस्टीमेट। तो ये हमारे बहुत ही बड़े टॉपिक हैं, जैसे कि प्लिंथ एरिया रेट एस्टीमेट और क्यूबिकल रेट एस्टीमेट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और बात करेंगे डिटेल्ड एस्टीमेट हमारा कितने प्रकार का होता है, यानी ये सारे एस्टीमेट कैसे रफ कॉस्ट एस्टीमेट है, ये 1, 2, 3, 4, 5 आप जो देख रहे हैं यहाँ पर लिस्ट, ये हमारे सारे किसके एस्टीमेट हैं, किसका क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन है टाइप ऑफ रफ एस्टीमेट है ये हमारे सारे। और हमारा डिटेल्ड एस्टीमेट की अगर हम बात करें तो डिटेल्ड एस्टीमेट भी हमारा रिवाइज एस्टीमेट एक डिटेल्ड एस्टीमेट है, यानी इसके डिटेल्ड एस्टीमेट का टाइप हमारे, यानी टाइप ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट हमारे कौन कौन से हैं, रिवाइज एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टीमेट, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट। तो इन एस्टीमेट से भी हमारे इन टॉपिक से भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इनको करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्लास में बात, धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।